मुंगेर में 1 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। दरअसल मुंगेर में बिहार सरकार द्वारा घोषित 1 लाख का कुख्यात हार्डकोर नक्सली गोपाल दास गिरफ्तार किया गया है। बक्सर स्टेशन के आसपास से गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मुंगेर SP JJ रेड्डी के निर्देश पर SSP अभियान कुणाल कुमार के द्वारा बिहार STF की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी SSP अभियान कुणाल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। गिरफ्तार नक्सली हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के गोबड्डा गांव निवासी गोपाल दास हैं। इस दौरान SSP अभियान ने बताया कि गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली वर्ष 2018 में मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 मजदूरों का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। कंपनी के 4 पोकलेन, 2 हवैया एवं 1 मोटरसाइकिल को जला दिया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध हवेली खड़गपुर थाना सहित अन्य कई थानों में भी 1 दर्जन से अधिक कांड मामला दर्ज है। SSP अभियान कुणाल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली गोपाल दास सहित अन्य नक्सली कई नक्सली के द्वारा अकबर नगर शाहकुंड मार्ग में BMP कैंप में नक्सली हमला किया गया था। वहीं खड़गपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 साल पहले नक्सलियों ने यात्री शेड में चल रहे अस्थाई BMP कैंप पर हमला किया था। वहीं गोपाल दास सहित अन्य नक्सलियों के द्वारा शाहकुंड की ओर से अकबर नगर की दिशा में आ रहे 2 सवारी गाड़ी इन्होंने हमला किया था। बिहार पटना एवं पुलिस अधीक्षक मुंगेर के पर्यवेक्षण में दिनांक 16-17 की इंटरवेनिंग नाइट 17-9-2022 को बिहार STF की विशेष टीम के द्वारा मुंगेर जिला के बिहार सरकार द्वारा घोषित 1 लाख रुपए का कुख्यात वांछित नक्सली गोपाल दास को से गिरफ्तार किया गया। इसमें इसके जो कांड है कुल 6 कांड अभी तक जो संज्ञान में है हमारे, उनका जिक्र आपको मिल जाएगी कॉपी। उसमें जो मुख्य है 2018 के सबसे लेटेस्ट में उक्त नक्सली द्वारा अन्य नक्सलियों के सहयोग से वर्ष 2018 में मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत राम कृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के 4 मजदूरों का फिरौती हेतु अपहरण किया गया था तथा कंपनी के 4 पोकलेन, 2 हाईवा एवं 1 मोटरसाइकिल को जला दिया गया था। इसके विरुद्ध मुंगेर जिला अंतर्गत कई नक्सली कांड दर्ज है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से प्रमुख है। अकबर नगर शाहकुंड मार्ग में BMP कैंप पर हुआ था नक्सली हमला, जिस पर इसका मोर है। ये BMP कैंप था, उसमें 2 सवारी गाड़ी में ये लोग सभी आए थे, जिसमें उतरते के साथ ही अंधाधुन वहां पर फायरिंग करने लगे। और हमले में जो बिहार पुलिस अंतरी ड्यूटी में जवान मौजूद विश्राम कुजूर, विश्वमोहन प्रसाद समेत 30 सिपाही को गोली लगते ही गिर गए थे। जवान संभलते नक्सलियों ने उन्हें कवर कर लिया था। मौजूद 4 सेल्फ लोडिंग राइफल, 2 स्टेन गन, 4 हैंड ग्रेनेड, करीब 600 चक्र कारतूस आदि लूट लिए थे। इसमें भी दो जवान इसमें ये हुए थे घायल। 2010 जनवरी 2010 का ये प्रमुख इंसिडेंट।